प्रिय दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्रनाथ पांडे मध्य प्रदेश ग्वालियर से बोल रहा हूँ। जिस प्यार सने के साथ आप लोग मेरे प्रोग्राम को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, फरमाइश कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। दोस्तों, मेरा भी पूरा प्रयास है कि आपकी फरमाइश को पूरा करूँ, अपने प्रोग्राम के माध्यम से आपको कुंडली देखने का ज्ञान प्राप्त करूँ। आज एक वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ, चंद्र सूर्य ग्रह की युक्ति, किस किस भाव में कैसा खेलता खेल, क्या लाभ देता क्या हानि देता है। जिसके कुंडली में चंद्र सूर्य की युक्ति लग्न में हो, ऐसे लोग जिद्दी होते हैं, ऐसे लोग स्वावलंबी होते हैं, कर्मठ होते हैं, विद्वान होते हैं। जिसकी कुंडली में दूसरे भाव में चंद्र सूर्य की युक्ति हो, ऐसे लोग आर्थिक रूप से परेशान रहते हैं, मानसिक रूप से परेशान रहते हैं और जीवन में संघर्ष अधिक करते हैं। जिसके कुंडली में तीसरे भाव में चंद्र सूर्य की युक्ति हो, ऐसे लोग माता पिता की का सुख अधिक नहीं पाते हैं, भाई बंधुओं का नहीं सुख पाते हैं, पारिवारिक जमीन जायदाद के लिए केस मुकदमा डालना पड़ता है। जिसके कुंडली में चौथे भाव में चंद्र सूर्य की युक्ति हो, ऐसे लोग स्वावलंबी होते हैं, स्वयं निर्माण करते हैं, स्वयं पहचान बनाते हैं। जिसकी कुंडली में पाँचवें घर में चंद्र सूर्य की युक्ति हो, ऐसे लोग पूर्ण विद्वान होते हैं, अच्छी शिक्षा पाते हैं, बचपन से ही तेजस्वी होते हैं, अपने पैर पर खड़ा हो जाते हैं। जिसकी कुंडली में छठवें भाव में चंद्र सूर्य की युक्ति हो, ऐसे लोग जिद्दी होते हैं, क्रोधी होते हैं, केस मुकदमा लड़ते हैं। जिसकी कुंडली में सातवें भाव में चंद्र सूर्य की युक्ति हो, ऐसे लोग का दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं होता है, पारिवारिक इच्छानुसार शादी नहीं होता है, विवादों में रहते हैं। जिसकी कुंडली में आठवें भाव में चंद्र सूर्य की युक्ति हो, ऐसे लोग सर्दी खांसी से परेशान रहते हैं, मानसिक स्वास्थ्य से परेशान रहते हैं, मानसिक परेशानियों में रहते हैं। जिसकी कुंडली में नौवें भाव में चंद्र सूर्य की युक्ति हो, ऐसे लोग संसद बनते हैं, विधायक बनते हैं, मंत्री बनते हैं। जिसकी कुंडली में दसवें भाव में चंद्र सूर्य की युक्ति हो, ऐसे लोग व्यापार में घाटा खाते हैं, कर्जदार हो जाते हैं, कमाए हुए धन बर्बाद हो जाते हैं। जिसकी कुंडली में ग्यारहवें भाव में चंद्र सूर्य की युक्ति हो, ऐसे लोग नौकरी में सस्पेंड हो जाते हैं, पदोन्नति नहीं होती है, अधिकारियों से विवाद बना रहता है और हमेशा कर्जे में डूबे रहते हैं। जिसकी कुंडली में बारहवें भाव में चंद्र सूर्य की युक्ति हो, इनके चौथे पद अच्छे जाते हैं, इनके संतान योग्य होते हैं, ये लोग धार्मिक विचार के होते हैं, गरीबों की सहायता करने वाले होते हैं। ये छोटा सा वीडियो आपके सामने प्रस्तुत मैंने किया, आपके सहयोग के लिए मेरे प्रत्येक वीडियो में मेरा मोबाइल नंबर है, डिस्क्रिप्शन में भी है, फिर भी मैं बोल देता हूँ, मेरा मोबाइल नंबर 9425308111 है। ये कॉन्टैक्ट नंबर मैं इसलिए देता हूँ कि कोई वीडियो संबंधी प्रश्न हो तो आप मुझसे करिए, मैं फ्री सेवा कर दूँगा। मगर कोई मित्रगण अगर अपनी कुंडली का विशेष विश्लेषण कराना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क करिए, उसके लिए कुछ शुल्क देना होगा, उसका फीस देंगे तो मैं विवेचन कर लूँगा। इतना कहते हुए वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। नमस्कार।